नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भवानीखेड़ा क्षेत्र में 2 कोरोना पॉजिटिव, एक तिगड़ाना गांव का है और दूसरा रेवाड़ीखेड़ा गांव का। रेवाड़ीखेड़ा में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, वहीं तिगड़ाना गांव का जो युवक पॉजिटिव पाया गया है वो हरियाणा पुलिस का जवान है। दोनों की रिपोर्ट सुबह आई, वहीं स्वास्थ्य विभाग भी मुस्तैद हो गया। नोडल अधिकारी राजेश कुमार ने पुष्टि की है। भिवानी में लगातार कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब ये आंकड़ा कुल मिलाकर 6 से सीधा 8 पर पहुंच गया। अब तक 4 मरीज ठीक होकर के घर जा चुके हैं। ताजा मामले में गुरुग्राम में तैनात रहे एक हरियाणा पुलिस के जवान, जो कि भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव तिगडाना का है, दूसरी एक महिला पाई गई है जो कि गुरुग्राम से भवानीखेड़ा क्षेत्र में रेवाड़ीखेड़ा आई हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिवार के लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा है। गुरुग्राम पुलिस का जवान गुरुग्राम में एसपी को स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी मुहैया करवा दी। वहीं दूसरी तरफ महिला मूल रूप से खंडारसा, जो कि एक गांव का नाम है, वहां की रहने वाली है और वो इन दिनों अपनी बेटी के घर आई हुई थी। भिवानी में लगातार कोरोना का आतंक बढ़ता जा रहा है। पर भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। क्या कहेंगे? हाँ, एक 51 ईयर ओल्ड की रामरति देवी नाम की एक महिला है, जो गुड़गांव से ट्रेवल हिस्ट्री है, झारसा गांव से। हमने सैम्पलिंग करवाई थी, रैंडम सैम्पलिंग 21 तारीख को रात को हमारे पास रिपोर्ट इसी हुई है, जिसमें पॉजिटिव आई गई है। और कौन कौन मिले? एक हमारा पुलिस का जवान, हरियाणा पुलिस का जवान है, तिगड़ाना गाँव का रहने वाला, उसकी भी हमने यहाँ रैंडम सैम्पलिंग में चांग में सैम्पलिंग करवाई थी, वो भी पॉजिटिव निकला है। हमने SHO CL of Phase 1 गुड़गांव और SP गुड़गांव का हमने इंटीमेट कर लिया। सर, रामरति के और इसके कितने परिजन और साथ में आपने आइसोलेट किए हैं? अभी हमने रामरति के साथ क्लोज कॉन्टेक्ट को आइसोलेशन में शिफ्ट करवा रहे हैं, बाकी अभी इसके बाद हम तिगड़ाना से शिफ्ट करवाएंगे। रेवाड़ीखेड़ा में रामरति नाम की महिला है, जो खांडसा गांव में रहती है, उसकी बेटी यहां शादीशुदा है। तो 21 तारीख को वो यहां पर आई थी, जो यहां पर आने पर उसका सैंपलिंग कराया गया, जिसमें ये पॉजिटिव पाई गई है। दूसरा तिगड़ाना गांव का मोहित, जो DLF Phase 2 में कॉन्स्टेबल के पद पर ताना था, वो भी 21 तारीख को आया था, उसने भी सैंपलिंग कराई, वो भी पॉजिटिव है। लेकिन आज वो गांव में ना होकर के गुड़गांव ही है, जहां उनके थाने के SHO और संबंधित विभाग पुलिस विभाग को हमने सूचित कर दिया है। तो आज कितने आइसोलेट किए हैं सर यहाँ रेवाड़ीखेड़ा से?
अभी यहाँ रेवाड़ी खेड़ा से इनके परिवार के सारे सदस्यों को आइसोलेट बियाने में कर दिया गया है और जो रामरती थी उसको भी कर दिया गया है। पूरे गांव को नाकाबंदी कर दी गई है, पूरे गांव को सैनिटाइज किया जाएगा, सरपंच को आदेश दे दिया है, पूरे गांव को सैनिटाइज करेंगे और जितने भी इनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं उनके सभी के सैंपलिंग कराएंगे। सर तिगड़ाड़ा के परिवार के सदस्यों को आइसोलेट किया गया? हाँ, उनको भी करेंगे और उनकी भी सैंपलिंग कराएंगे, परिवार के सदस्यों को भी और गाँव को भी करेंगे। थैंक यू।